हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड की एक और जनजाति जिसका नाम है थारू जनजाति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर टनकपुर चंपावत तक फैली हुई है। थारू जनजाति उधम सिंह नगर जिले के मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 गांवों में निवास करती है। थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी आंकड़ों के अनुसार जौनसाई जनजाति को सबसे बड़ा जनजाति माना जाता है, इसलिए उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर थारू जनजाति है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, गोंडा, बरहाइच, गोरखपुर आदि जिलों में, बिहार के चंपारण और दरभंगा जिलों में तथा भारत की अगर हम पूरब की बात करें तो आसाम तक तथा पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कुमाऊं और नेपाल के भेंची तक यह फैली हुई है। ये लोग कद में छोटे होते हैं, इनका मुख चौड़ा होता है तथा नासिका समतल होती है। ये मंगोल प्रजाति से अत्यधिक निकट हैं। इनके पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। सामान्यतः थारू को किरात वंश का माना जाता है जो कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होती है। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने व अपने को राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम थारू पड़ने का समर्थन करते हैं। इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, लेकिन वहां डर के कारण थरथर कांपने लगे, जिस कारण थारू कहलाए। जिस भाषा क्षेत्र के समीप इनका निवास होता है प्रायः यह वहीं की भाषा प्रयुक्त करते हैं। अतः इनके राज्य में निवास करने वाले थारू आदि भाषाएं बोलते हैं के रूप में बड़ी चोटी रखते हैं तथा धोती, लंगोटी, अग्गा, कुर्ता, टोपी व साफा पहनते हैं, जबकि स्त्रियां रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं तथा शरीर पर गुदना गुदवाती हैं और पीतल, चांदी व कांसे के आभूषण पहनती हैं। पुरुष भी अपने हाथ पर गुदने गुदवाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके आवास की। ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्तों और नरकुल का प्रयोग करते हैं। दीवार पर चित्रकारी होती है। प्रत्येक घर में पशुवाड़ा व घर के सामने प्राय छोटा सा पूजा स्थल होता है। ये लोग 20 से 50 घरों में इनके गांव या पूर्वे खेतों के निकट ही होते हैं। अब अगर इनकी बात करें हम भोजन की, तो इनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। मछली और चावल के अलावा ये दाल, दूध, दही, मांस व अंडे का भी प्रयोग करते हैं। तंबाकू व मदिरा इनका मुख्य पेय है। मदिरा वे चावल द्वारा निर्मित करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये मदिरा बनाते हैं ये मुख्यतः चावल से बनाते हैं और इसे ये जाड़ कहते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट होता है कि जाड़ क्या है। तो जाड़ एक प्रकार का मदिरा है। अब बात करते हैं हम इनके सामाजिक स्वरूप की। सामाजिक रूप से ये कई गोत्रों या जातियों या कुलियों में बटे होते हैं। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृंतिया, महूत व डहेत इनके प्रमुख गोत्र या घराने हैं। बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा अर्थात बहनों को आदान प्रदान का प्रचलन था, लेकिन अब यहाँ पे तीन टिकटी व अन्य प्रथाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तीन टिकटी प्रथा किस जनजाति में है। तो यह है थारी जनजाति में। इसके अलावा ये दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय करते हैं और इस विवाह को तय करने के लिए ये
पक्की ओढ़ी या पक्की पोड़ी इसको कहते हैं। विवाह की सगाई रस्म को ये अपना पराया कहते हैं। सगाई के बाद और विवाह के लगभग 10-15 दिन पूर्व लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। इस रस्म को बात कट्टी कहा जाता है। इनमें प्रायः माघ या फुलेरा दूज में होता है। जो विवाह है, विवाह के बाद लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ लौट जाती है। विवाह के 2 या 3 माह बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर चल जाती है और इस रस्म को चाला कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहते हैं, चाला कहते हैं। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गौना यानी चाला ना आया हो अथवा उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है। इस प्रकार के विवाह भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। इनमें मुख्यतः एक पत्नी विवाह ही प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ये बहुपत्नी विवाह भी कर सकते हैं। इनमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि परिवार में पुरुष को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है। इनमें संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा मिलती है, जिनका मुखिया परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। इस समाज में मात्र सत्तात्मक पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार परंपरा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इनके धर्म की। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। ये 55 खड़ाभूत, काली, नगरियाई देवी, भूमिया, कारादेव, कलुआ सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों तथा अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। कुछ देवताओं को ये बकरा, मुर्गा, सुअर व शराब आदि चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इनके त्यौहार की। ये दशहरा, होली, दीपावली, माँ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर इनके प्रमुख त्यौहार हैं। बजहर नामक त्यौहार जेठ या बैसाख में मनाया जाता है। दीपावली को ये शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शौक रूप में मनाती है। तो जो दीपावली का त्यौहार है, इसे ये शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली फागुन पूर्णिमा से 8 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है कि खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति करती है। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक व्यवस्था की। इनकी अपनी पंचायतें तथा ग्रामीण अदालतें होती हैं। इनकी पंचायत में जो व्यक्ति अगर पराजित हो जाता है तो उसको शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की। थारू लोग प्रायः सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। इनका आर्थिक जीवन सामान्य रूप से कृषि, पशुपालन व आखेट पर आधारित है। कुमाऊं तराई क्षेत्र में ये थारू स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। तो भारत नेपाल के दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के थारू चलवासी कृषक और आखेटक होते हैं। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। इसके अलावा दाल, तिलहन, गेहूं एवं सब्जियों की भी ये खेती करते हैं। ये मछली का शिकार करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि पशुओं का ये पालन करके दूध और ऊन प्राप्त करते हैं। इनके अन्य व्यवसायों में लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना और कुटीर उद्योग इनका प्रमुख है। शिक्षित थारू सरकारी नौकरी भी करते हैं। इनके परिवार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह मृतक को दफनाते हैं तथा लौटते समय चौराहे पर एक छोटी सी पुलिया बनाते हैं। उनका विश्वास है कि इसके सहारे मृतात्मा संकटों को पार कर लेती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने कंप्लीट किया थारू जनजाति।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।